अरे गुन्नी, अरे अरे इनका बाल बनवाओ, ढोल ताशा को ए ढोल ताशा का डीजे कर। अब डीजे अब लोग बोले थे वो साइकिल तो यहाँ ऋषभ का साइकिल बेड पे रखा हुआ, जगह ही नहीं। ये तो नया साइकिल ही रुक गई। किट्टो ने सारे बच्चों के लिए आइसक्रीम ले लिया। तो गाइस ये क्यों सब मेरे घर में इमोशनल हो जाते हैं? क्या है इसमें? चार्जर जीजू के कुछ नाम है यार, छोटी कमेंट किट्टो का घर कोई धर्मशाला नहीं है जो सब लोग आए हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अमेजिंग किट्टो जायसवाल YouTube चैनल। तो नाउ चलो भाई जा रहे हैं, टाइम हो गया हम लोग को यहां से जाने का। जा हां मां क्या? अरे गुन्नी, अरे अरे इनका बाल बनवाओ, वो ढोल ताशा को ए ढोल ताशा का डीजे कर। अब डीजे लेकिन वहां कहां डीजे है? मंदिर में। हां कहां है? अब कोई ना दे तो अपन गाजियाबाद में दीदी की बुराई लेवे, वहां दे अब मुंडन कराई लेवे। क्या से चला जाए हम लोग? लेकिन मौसम ऐसा गर्मी ना ठंडी नवंबर में करवा, सितंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में मार्च बाबू का सेकंड बर्थडे हुए। हाँ तो अगर अक्टूबर में हो जाए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी चार महीने बाद आ जाए। ऐसे ऐसे नोच लेते हैं, साग मटर में नहीं बनते। चलो चलो छोड़ देते तुम लोगों को, चलो ना ही है लगे भैया। भोई के बहुत यहाँ पे रैली, चलो नहीं तू ले जाओ। अरे नहीं जाए, लोग अपने बच्चों को रोकते हैं, अपने बच्चों को भेज नहीं ले जाओ। नहीं अरे हम लोग जाएंगे तो संभालोगी ना? पहले समझाए कि भेजे की बात माना कर रहे हैं, बात माने इनके समझा। मेरे पिटरा गाल नोच नाच लिए, देखा पूरा एकदम इधर हो इधर, जैसे लगता कि खून खराबा खराबा तरह। कृतिक का बहुत कंप्लेंट मिल रहा है। चला थोड़ा चार्जर तो निकाली थी किट्टो? अब लोग बोले थे वो साइकिल तो यहाँ ऋषभ का साइकिल बेड पे रखा हुआ, जगह ही नहीं। ये तो नया साइकिल ही रुक गई। हां उससे सब बर्थडे पे दो साइकिल है, तीन तीन साइकिल डाली। एक साइकिल एक को वो वाला चप्पल देबू और जूता देबू एक कोनो जूता चप्पल ले ले, एक चप्पल बन गया, एक जूता एक चप्पल दे दो। कहां जाबू? अरे जैसे कहीं बाहर चला गया बाई दवे हो तुम जा। नया जूता बाटे बा खरीदे रे। जूता है ना तेरे पास वहाँ पे? नहीं कुछ नहीं था उसका वहाँ। जूता तो कह रहे हो है? नहीं जूता वहाँ पे की चली आ रही। देखा चप्पल दे दो, जूता चप्पल दे दो। ये क्यों दे रही हो? कहाँ जाएगा और कौन जूता बा? अरे चले हम आओ अपने लेके आओ, चलो देखे चप्पल दे, चप्पल महंगे बाबा। अरे कब आओगे फिर? आएंगे वहाँ से होकर आएंगे तो आएंगे, तो जा रहे चलो चलो। एक कपड़ा नहीं का ले लेते ना? अरे पिंकी दीदी वाला बाना है, मम्मी क्या कहीं जाओ ना कर तू, अब फालतू कपड़ा रहने जूता पहन के जाओगी चप्पल और कपड़ा ना ऋषभ को मशीन में मत धोया। हाँ हम अपन धो बने के आई रो तो बताता है जूता है पहले चप्पल जल्दी बोलो। हाँ अंशु चप्पल पहनना है अब, ये वाले पहन के जा रही हूँ मैं। चश्मा ले लिया अपना? गाइस कृतिक को लग गया यहाँ पे काफी तेज दीवार से और रो रहा था वो। चुराव के आना पानी को बता रहा है, लग गया देखो बता रहा है। अरे हमा कृति भैया तोरे मोबाइल से लगा है, तोरे मोबाइल से लगा दीवार से लग गया सही में। चला कृति चला, गाड़ी नहीं बैठू तो हम जब रहे तो हमके नीचे छोड़े आओ थे जरूर। तू हमें आए तो मैंने नीचे एकदम बात बढ़िया और लिफ्ट से फुट से नीचे उतरा आए। हाँ सर बच्चन का ध्यान दो यार, तुम फिर से चल रहे हो क्या मम्मी? तो क्या हो गया?
तो क्या हो गया? तो बोले थे मैं नहीं। तो गाइस देखिए यहां सब जा रहे हैं। कितना भी लग जाए पर हंसते ही रहता है। चश्मा निकाल के तुरंत देख रहे हो? देखो कैसे देख रहे हैं हमको, देख रहे हैं कैसे देख रहे हैं हमको। जा रहा है हमारे घर से, विदाई हो चुकी है और उसकी मौसी ने 500 रुपए विदाई दे दिया। क्या 500? चलो गाजियाबाद। कृतिक कब आओगे? बाय कृतिक, बाद में कृतिक। जून, चलो जून तो आने वाला है। यही गाड़ी लेके हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। चार पे चला था फूल भाई। ऋषभ भैया, ऋषभ भैया बोलो, चलो गाइस चलो चलो बंद कर लो यार, अरे लाइट आगे कुछ दिख नहीं रहा है। बाय वृंदा दी, बाय बाय। ऐसे रोज आती रहो, मुस्कुराती रहो, वीडियो बनाती रहो। बाय बाय। अच्छे से रहना, कंप्लेन नहीं है बच्चे। ऋषभ अच्छा कल ना इन सब खाना खात रहे और इन खड़ा रहे सबके खाना में इनका छुट्टा चला गया। अब खड़ा है और छोटी सो रही नौकरी का परम बुद्धि है। वही भाई सुसु से वही नहीं सबके कहे वही कहते सुसु क्या भैया मेरे। चलो ठीक है, बाय बाय किट्टो। छीटा सच में चला गया इसका। ये गाइस देखिए किट्टो आ रही है जाते जाते। बाय ऋषभ, ये मैं। लड़ाई झगड़ा मत करना ना। और बस कृतिक को देखकर बहुत याद आता है, लेकिन क्या करें, आ जाता है मिलने के लिए। पूछ पूछ, गुंडा बहुत शांत बैठा है किट्टो। अरे इसका शक्ल देखो आप, देखो देखो भाई। गाइस हम लोग फाइनली वंदना भाभी के घर से निकल चुके हैं और आज मैंने ओट दिया है। और मैं तो भाई फिर से जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं मैं तो यही आप लोगों से गुजारिश करूंगा, प्लीज प्लीज अपने घर से बाहर। आपको पता है मैं एक घंटे का ड्राइव करके आया हूँ सिर्फ और सिर्फ ओट देने के लिए। ओट दिया हूँ, उसी बीच मैंने किट्टो को डॉक्टर को भी चेकअप करा दिया, चलो भाई एक पर दो कार्य हो जाएगा, लेकिन इसका भी कोई उतना जरूरी नहीं था, लेकिन मेरा ओट देना बहुत जरूरी था तो मैंने ओट दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा और भाई जो जीत रहा है मैंने उसको ही वोट दिया है, समझ जाइए आप लोग। मेरा नेता कैसा हो, अमित किट्टो जैसा हो। सही है, और वोट देना बहुत जरूरी भाई, वोट के बिना तो सब बेकार है। तो हम लोग निकल चुके हैं अभी, हमें मेरे ख्याल से 10 बजे तक पहुंच जाएंगे हम लोग। आज सैटरडे, वैसे ट्रैफिक तो नहीं होना चाहिए। आज हम लोग जा रहे हैं क्लब, क्लब चलेंगे किट्टो के लिए, बच्चों को लेकर क्लब। बच्चे अलाउ नहीं है क्लब में, यही तो दिक्कत है। हाँ ये तो है, 18 साल से नीचे वाले नहीं अलाउ होते। उसपे तो लोग ना बहुत मस्ती करते हैं। नहीं ना? मस्ती नहीं, वो ड्रिंक होता है रात तो में। तो वही ना, 18 साल से नीचे तो क्लब में छापा पड़ जाएगा, बंद हो जाएगा क्लब। हम लोग क्या वो आईडी देख के लेते हैं। अच्छा हाँ, 18 साल से ऊपर रहेगा तो ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ले भी लेंगे तो उसको ड्रिंक अलाउ नहीं है, नॉर्मल कोई भी चीज से सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पी सकता है, तो इसलिए नहीं लेते ना, क्योंकि फिर वो रहता है, रिस्क रहता है, कोई एक्साइज का छापा पड़ गया बोलेंगे पी, ड्रिंक पी रहा है, ये चीज़ है। आजकल तो हर कोई वीडियो बना के बच्चे डालते हैं सब। सही बात, बियर की बोतल लेकर के क्लब के अंदर फोटो खिंचवा लिया, पता चला भाई ये तो उस क्लब का है, बियर की बोतल बियर ले रखी इस बच्चे ने, आ जाएंगे तुरंत छापा मारने, पेनाल्टी मार देंगे और लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, लाखों का लाइसेंस आता है, वो सारी चीज़ें नहीं लेते हैं। और रात में तो ये ऐसे बच्चे तो बिल्कुल लाउड म्यूजिक में अलाउ ही नहीं है बाबू जैसे, और जिसके बच्चे हो जैसे कि अगर तो अलाउ ही नहीं, आप जाती ही नहीं, जाओ नॉर्मल रेस्टोरेंट में डिनर करो, डिस्क में अलाउ नहीं। डिस्क मतलब म्यूजिक बहुत लाउड चलता है ना, इतना धम 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 साउंड चलता है ना। चले गाइस बने रहिए, हम लोग पहुंचते हैं घर पे तो फिर मुलाकात होगी। तो किट्टो ने सारे बच्चों के लिए आइसक्रीम ले लिया, जो बच्चे घर पे उनके लिए भी एक्स्ट्रा ले लिया है। खुश ऋषभ, तो खाना खा के खाता आइसक्रीम। तो गाइस ये क्यों सब मेरे घर में इमोशनल हो जाते हैं? क्या है इसमें? चार्जर। चार्जर साली जी के बाद छोटी हुई इमोशनल है। अरे बैग में, साइड में, साइड में। अरे 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 जी चू। अरे नहीं बेटा चाचू है। ए तुम्हें जब ना छोटिया को चिढ़ाए चिढ़ाए के जीजू करके कुछ चिढ़ाओ। मैं आ रहा हूं छोटी, देख
कहा गए गुन्ना देखा झूठे लाइट जलता क्रीम देखो कुछ नहीं लगाई थी किट्टो का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है आते ही सारे बच्चों को बैठा कर खाना खिला दिया और देखो कार्तिक मजा आ रहा है तुम्हारा टिकट हो गया कल तैयार होने का है किट्टो का घर कोई धर्मशाला नहीं है जो सब लोग आए ये पानी चले खाना कोई नहीं खाया वही सब सुबह जो थोड़ा थोड़ा कौन कौन नहीं खाया सब लोग खाए लेकिन थोड़ा थोड़ा खाए तो वही चीज हम सुबह ही खिलाएंगे सबको भाई तो खाने का अपमान थोड़ी नहीं करना चाहिए जब से खाना नहीं खत्म होगा तब से हम बनवाएंगे नहीं कर खाना नहीं 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 किसको मलपुआ चाहिए यहाँ पे मलपुआ किसी को नहीं चाहिए लेकिन कोई की आइसक्रीम तुम पहले खिला दी क्या सबको नहीं दिए ही नहीं है तभी तो सब लोग लालच में खाना खाए हैं आइसक्रीम तो मैंने पहले खाई है मैंने देख रहे हैं वीडियो तुम क्या कर खाए हैं पिंकी वहां से आउट है कौन है खबर बेशक हम खावे का दे तो बताओ दे दे कड़ी चावल कड़ी चावल खावे गरम के दूध ठंडा जी गरम ही रहा बात है कहाँ चल छोटी छोटी कर रही हो कहाँ ऐसे नीचे दौड़ नहीं कोई दौड़ में नहीं 11 बज गया है कोई रोड पे नहीं यहाँ कुत्ते टहल रहे कितना कंप्लेन हुआ तुमको पता है काट एक बच्चे को काट लिया चार कुत्तों ने मिल करके अटैक कर दिया था कल गई थी ना कल टाइम से गई थी आज 11 बज रहा है कोई टाइम होता है घूमने का नहीं किट्टो कोई बाहर नहीं जाएगा बच्चा अभी क्या तुमको बता रहे डॉगी वाली बात सुनी है तब क्या बताएंगे ए छोटी इसका हाथ मुंह खोल दो जो बोला ऑन कैमरा बोलो नहीं जिसके बारे में बोला ऑन कैमरा बोलो ऑन कैमरा नहीं भूल सकती चलो पर्सनली आ जाओ कमरे में फिर बाहर कौन समस्या कोई बच्चा मैं नहीं हूँ तो जब तक कोई यहाँ बड़ा नहीं है कोई बच्चा घर से बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा उसमें चूँ पू नहीं मैं लिफ्ट में जा रहा तुम क्या पूछने आए स्विमिंग पूल में जा सकते हैं जब मैं एक बार मना कर दिया तो क्यों आए पूछने कोई बड़ा आदमी रहेगा तो ही जाओगे ना स्विमिंग पूल में डूब गए तब मजाक समझ रखे हो स्विमिंग पूल को तुम लोगों ने मतलब ये लोग एकदम मजाक ले रखे हैं कि तो स्विमिंग पूल में जैसे कुछ है ही नहीं है अभी सबको बाहर पार्क में जाने रात के 11 बजे देखो सोनाक्षी हाँ सोनाक्षी और सोनाक्षी मम्मी क्या बोली है एकदम दबा के कंट्रोल में दबाने का मतलब है डिसिप्लिन में रहो और तुम भी इधर सुनो ओए इधर ओ लड़के काम चलो सो पानी कौन रखा है गिराएगा पानी कार्तिक चलो भैया खाना तो सुना अच्छी तुम्हें ऐसा कुछ कहना चाहोगी ऐसा क्या हुआ कि जो साली जीजू गली पकड़ के रोने लगी और ना जाने की जिद करने लगी जीजू कुछ कहना चाहोगी क्या कहूं कैसे की थी ये उसी को पकड़ बताओ मुझे नहीं उसी को पकड़ो उसी को ऐसे कर दो जीजू कुछ कहना चाहेंगी साली जी इस पे बाथरूम दरवाजा बंद कर दिए कुछ नहीं कहेंगी तो ये
बाप रे, मौसी के सारा ज्वेलरी तुम कब्जा कर ली हो? अरे नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए पहले पूजा करके आएगी, दे दूंगी। चलो कोई बात नहीं। तो गाइस, इसका इस सवाल का जवाब तो साली जी ही देंगी, लेकिन जल्दी मिलेगा इस सवाल का जवाब। तो इस वाले ब्लॉग को करते हैं एंड। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। लव यू ऑल, बाय बाय।